बड़ी खबर यह कि अमेरिका के शिकागो में बड़ा शूटआउट हुआ है। स्वतंत्रता दिवस परेड में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। हमलावर ने कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शूटआउट की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर की पहचान हुई, FBI ने फोटो भी जारी कर दी है। शूटआउट आतंकी की तस्वीर जो है वो भी जारी हो गई है। ये तस्वीर उस आतंकी की है, इसने 9 लोगों की जान ले ली है। शिकागो से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां पर शूटआउट हुआ और यहां 9 लोगों की जान चली गई। स्वतंत्रता दिवस परेड में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। ये तस्वीरें वहीं से हैं, उसी की हैं। ये तस्वीरें हम आपको शिकागो से दिखा रहे हैं। ये बेहद दुखद घटना है। यहां हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्वतंत्रता दिवस की परेड चल रही थी और उसी में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई। लोकेशन वो जगह जहां ये घटना हुई, अमेरिका का शिकागो। अमेरिका के शिकागो में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान अंधाधुंध फायरिंग होती है। इस फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हैं और हमलावर की पहचान हो गई है। FBI ने फोटो भी जारी कर दी है। सरेआम शूटआउट की हैरान कर देने वाली इस वारदात ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। फायरिंग के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। आखिर ये फायरिंग कौन कर रहा था, कहां से चल रही थी गोलियां, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आम लोगों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। शिकागो से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर में उपनगर हाईलैंड पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका की आजादी का जश्न चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग इस परेड को देखने के लिए मौजूद थे, लेकिन देखते ही देखते ये जश्न मातम में बदल गया। जगह थी शिकागो का हाईलैंड पार्क, परेड चल रही थी और परेड देख रहे निहत्ते लोगों पर फायरिंग कर दी गई। हमलावर ने करीब 40 से 50 राउंड की फायरिंग की। अचानक से जो फायरिंग शुरू हुई परेड के दौरान, फ्रीडम परेड के दौरान, अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागते हुए नजर आए। हमलावर पहुंचता है 20 से 22 साल की, उसकी उम्र बताई जा रही है और इस शूट आउट में 9 की मौत हुई है, 7 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। US मीडिया के हवाले से खबर, जैसे ही ये शूट आउट हुआ इस फ्रीडम परेड के दौरान अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के शिकागो में परेड के दौरान लोगों की जान पर बन आई। परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों और पूरे परिवार को ले गए थे और ऐसा लगता है कि हमलावर इसी मौके की तलाश में था। उसने निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जो दूर खड़े थे, गोलियों की आवाज सुन रहे थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि फायरिंग किधर से हो रही है। अब आपको दिखाते हैं वारदात की पहली तस्वीर। देखिए कैसे लोग परेड का आनंद ले रहे हैं, इस फिक्र से अनजान कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जान ले लेगा। मौत यहाँ तांडव करेगी। देखते ही देखते परेड के ड्रम की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गुम हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग भौचक रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। देखिए कैसे एक महिला पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्वतंत्रता दिवस परेड की खुशियां अचानक से छिन जाएंगी, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाएंगी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था को धता बताते हुए हमलावर ने आम लोगों को निशाना बनाया। करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई।